जिले के बैरिया स्थानीय थाना क्षेत्र के गंगापार घुआल छपरा फेकू ब्रह्म बाबा के समीप बुधवार की सुबह पड़ोसियों में एक सूखा पेड़ जो सार्वजनिक जमीन पर था टूट कर गिर गया था। उसी पर अपना अपना मालिकाना हक जताने को लेकर दोनों तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में दरवाजे पर बंधी घोड़ी को गोली लगने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घोड़ी को गोली लगने के बाद पुनः ताबड़तोड़ दोनों तरफ से फायरिंग की गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह बर्मेश्वर मिश्र और शंभु ठाकुर निवासी भुआल छपरा के घर के समीप गम्हार का पेड़ टूट कर गिर गया था। पेड़ पर दोनों पक्ष अपना अपना हक जता रहे थे। इसी बीच तनाव बढ़ने के दौरान दोनों पक्ष द्वारा असलहु का प्रदर्शन के साथ ही अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगी। फायरिंग में बर्मेश्वर मिश्र के दरवाजे पर बंधी घोड़ी की गोली लगने से मौत हो गई। दोनों परिवारों के बीच जमीनी संबंध पुरानी रंजिश में मुकदमेबाजी चल रही है। वह पूर्व में भी कई बार मारपीट की घटना हो चुकी है। घटना की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी लेने के बाद घटना की जानकारी बैरिया पुलिस को दी। बैरिया पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा लेने के उपरांत गांववासियों से पूछताछ की। इस संबंध में SHO धर्मवीर सिंह ने पूछे जाने पर बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गोलीबारी में मृत घोड़ी का पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एहतियात के तौर पर गंगा पार भुआल छपरा गांव में पुलिस की तैनाती की गई है। UP60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय और विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।